नाम है गुरलीन कौटिको और आज मैं बात करने वाली हूँ टर्म इंश्योरेंस के बारे में। लास्ट वीक ही मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने टर्म इंश्योरेंस के बारे में इंक्वायर करा कि क्या एग्जैक्टली टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी डिटेल्स जानने की कोशिश करी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि काफी सारे लोग अभी भी हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो उन सबके बेनिफिट के लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं कि एग्जैक्टली टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे हम कार की इंश्योरेंस कराते हैं, कार की इंश्योरेंस हम सब कराते हैं, तो कार की इंश्योरेंस का हम एक प्रीमियम पे करते हैं, ओन डैमेज प्रीमियम पे करते हैं। उसमें क्या होता है, एक श्योरिटी रहती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि मान लीजिए कल को कार का एक्सीडेंट हो गया तो जो ओन डैमेज जो खर्चा आएगा, जो रिपेयर की या कार चोरी हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी विल बी पेइंग द क्लेम। और अगर नेक्स्ट ईयर जब हमारी पॉलिसी रिन्यू होने वाली होती है तो हमें कुछ वापस नहीं मिलता, मतलब अगर हमने कोई क्लेम नहीं करा साल में तो हमने जो प्रीमियम दिया दैट इज गॉन। सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक टर्म इंश्योरेंस ऑन माई लाइफ कि मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ लेट्स से 1 करोड़ रुपए की और मैं एक सर्टन प्रीमियम दे रही हूँ इंश्योरेंस कंपनी को, और अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि कुछ टाइम पीरियड मेंशन्ड है पॉलिसी में 20 साल 30 साल, उन 30 साल के दौरान कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरे नॉमिनी को सम इंश्योर्ड दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे 1 करोड़। और अगर नहीं होती है तो मुझे कुछ नहीं मिलता, देर इज नो सर्वाइवल बेनिफिट। ऑल्दो देर आर फ्यू पॉलिसीज नाउ जो सर्वाइवल बेनिफिट के साथ भी आई हैं, विच इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम, वो भी एक अलग चीज है, बट बेसिकली टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट यही था। अगर आपको कुछ हुआ, मतलब इट्स अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसको लेने के, मतलब इट इज डिफरेंट देन व्हाट दी ट्रेडिशनल पॉलिसीज आर, जो कन्वेंशनल पॉलिसीज जो पहले चलती थी, ये काफी डिफरेंट है उससे। आई विल बी शेयरिंग 5 reasons कि व्हाई वन शुड बाय टर्म इंश्योरेंस प्लान बिफोर द एज ऑफ 40। मतलब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, आप जब जागे हो, जब आपने सोचा कि ये लेना चाहिए, जब आपने डिसाइड करा, सो दैट इज द राइट टाइम। बट ऑफ कोर्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ यू टेक इट बिफोर द एज ऑफ 40? बड़ा कवर मिलता है कम प्रीमियम में, लार्ज कवर एट लोअर प्रीमियम। टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको प्रीमियम बहुत कम चार्ज होता है, बिकॉज इट्स अ प्योर सिंपल प्रोडक्ट जिसमें सिर्फ लाइफ की कॉस्ट, लाइफ इंश्योरेंस की कॉस्ट ली जा रही है और कोई सेविंग्स की कॉस्ट नहीं ली जा रही आपसे, तो बहुत ही कम होता है। टू गिव एन एग्जाम्पल, 1 करोड़ की कॉस्ट कैन बी एज लो एज 7,000 to 8,000 रुपीज पर एनम, डिपेंडिंग ऑन द इंश्योरर, आप कौन से इंश्योरर से ले रहे हैं, कितने साल की पॉलिसी ले रहे हैं और कौन सी एज पे ले रहे हैं। एंड सेकेंड रीजन इज इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। At young age, there are a lot of liabilities on us. मतलब अगर हम बात करें 35-40 years की age में, there is a family to feed, कुछ loans हो सकते हैं, हम housing loan हो सकता है, घर का loan हो सकता है, तो उस सबको cover करने के लिए term insurance बहुत important है। Dependents की lifestyle को maintain करने के लिए term insurance बहुत important है। और अगर कम age, जल्दी age पे start करते हैं तो premiums भी कम देने पड़ते हैं। Mortality charge जो होता है वो कम charge होता है। मतलब अगर मैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही हूँ, लेट्स से अगर मैं 30 इयर्स की एज पे ले रही हूँ, तो मुझे 5,000 to 6,000 रुपए प्रीमियम देना होगा, वेयर एज अगर मैं 50 इयर्स पे ले रही हूँ तो वही प्रीमियम शूट करके 15,000 to 16,000 हो जाएगा। सो इमोर्टैलिटी विल इंक्रीज एट हायर एज, तो वो ये बेनिफिट होता है। एंड बेस्ट पार्ट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी ले रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अगले 20-30 साल का, तो जो आपका प्रीमियम आपकी एज पे जो आज फिक्स हो जाएगा, तो दैट विल बी देयर फॉर लाइफ टाइम, तो वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा आपकी इंक्रीजिंग एज के साथ। प्लस टैक्स बेनिफिट्स, आप यंग एज पे बहुत सारा टैक्स भी भरते हैं, तो यहाँ पे आप 80C में टैक्स सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। प्लस जब क्लेम आता है इसका, डेथ क्लेम, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1010D। एंड ऑल्सो एट यंग एज पे लॉट ऑफ पीपल थिंक कि मेरी कॉर्पोरेट ने कराया हुआ है कवर, इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर लिया हुआ है, टर्म इंश्योरेंस कवर भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स देते हैं, तो दैट मे और मे नॉट बी इनफ एंड दैट इज नॉट अ परमानेंट कवर दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि अपनी फैमिली को देखते हुए, फैमिली की सिक्योरिटी को देखते हुए टर्म इंश्योरेंस कंसिडर किया जाए। अब टर्म इंश्योरेंस में काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, बिकॉज इट्स अ टेलर मेड प्रोडक्ट, आपके जरूरत के हिसाब से जो आप चाहते हैं पॉलिसी में यू कैन मिक्स एंड मैच, और वह उस हिसाब से प्रीमियम उसका चार्ज होता है। If you want, you can have coverage till 70 years, 75 years, 80, 85 and up 99 years तक की भी option है। For example, if I am taking policy till the age of 75, I have an option to pay premiums till 75, I have an option to pay premiums till 60 years of age, 10 साल, 5 साल, या मैं single premium भी दे सकती हूँ। So you save lot of cost, अगर वही premium आप 75 years पे दे रहे हो versus आप 60 years तक देते हो, तो आप कॉस्ट सेव करते हो, और कम टाइम के लिए देते हो, 10 साल के लिए देते हो, तो और कॉस्ट सेव करते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या सोच है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, बट लेनी जरूर चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज ऑन, कि पॉलिसी ये टर्म इंश्योरेंस होनी जरूर चाहिए। सो इसकी कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो हार्डली, अगर इसको स्प्लिट कर लेंगे पर डे कॉस्ट में, तो बहुत ही कम कॉस्ट आएगी। तो एक्चुअली इतना कम कॉस्ट, मतलब इट इज यू आर जस्ट बाइंग योर पीस ऑफ माइंड।
सैडली हम लोग कार की इंश्योरेंस कराते हैं ये सोच के कि कार की इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जबकि थर्ड पार्टी मैंडेटरी होती है, ओन डैमेज मैंडेटरी नहीं होती. बट हम टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराते हैं बिकॉज हम अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं करते. अब बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस लेना कितना चाहिए. सो बहुत सारी चीजें होती हैं जब टर्म इंश्योरेंस की कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आपकी लाइबिलिटीज भी ऐड होती हैं, आपका लाइफस्टाइल देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं. बट अगर हम सिंपल बात करें, थंब रूल की बात करें, तो इट शुड बी आइडियली 10-15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम. जो आपकी एनुअल इनकम है उसके 10-15 गुना अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो तो वो सफिशियंट है आपके लिए. ये था मेरी तरफ से अबाउट टर्म इंश्योरेंस. एंड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरीज है विद रिगार्ड्स टू टर्म इंश्योरेंस, पूछना चाह रहे हैं कि यू वांट टू, आप अपना टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं, सो प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस. ये हमारा नंबर है, नीचे मेंशन है, ईमेल आईडी है, आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं. लास्ट में कहना चाहूंगी, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सो दैट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे. एंड स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू.